हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी प्रमुख विश्व की प्रमुख स्थानीय भवनों के बारे में, ठीक है। आज बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधियाँ स्थल संधियों के बारे में। याद रखिए, मैप्स संबंधित आपके जितने भी चैप्टर खत्म हो गए हैं वो सभी मैप्स के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, आखिर जल संधियां और स्थल संधियां होती क्या है। जो जल संधियां हैं और स्थल संधियां हैं ये होती क्या है। तो जल संधि आपकी, जल संधि जो होती है, जल सहयोगी या जल डमरू पानी के ऐसे तरंग मार्ग को कहते हैं। जल संधि पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है, जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सके। इसका भौगोलिक आकार अक्सर डमरू जैसा होता है, जिसमें दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जल संधि होती है। इसे हम लोग इसीलिए जल डमरू मध्य भी कहते हैं। कूटनीतिक दृष्टि से जो भी दो सागरों को जोड़ने वाली किसी जल संधि क्षेत्र पर कब्जा रखता है, वह आने जाने वाले व्यापारिक व सैनिक नाव यातायात पर नजर और नियंत्रण रख सकता है। तो याद रखना, जो दो बड़े समूहों को जोड़ती है उसे हम लोग जल संधि कहते हैं। और जो आपकी स्थल संधि है, स्थल संधि के बारे में याद रखिए कि जब एक स्थल की सक्रिय पट्टी दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ता है तो वह आपकी स्थल संधि कहलाती है। जैसे पनामा स्थल संधि उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक बार विश्व की मानचित्र पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी, क्या है पृथ्वी हमारी प्यारी, इसमें हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत, ये आपका एशिया लगा हुआ है, यही आपका हिंद महासागर है, ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका अंटार्कटिका है, ये आपका दक्षिणी अंदर महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये आपका आर्कटिक महासागर है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये ऊपर उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर, ये जो लाइन जा रही है ये विषुवत रेखा है, ठीक है, याद रखिए। तो चलिए हम लोग इसकी स्थिति देखते हैं, जल संधियों की स्थिति देख लेते हैं हम लोग। तो एक बार फिर से बता देते हैं, ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और ये आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एशिया की प्रमुख जो आपकी जल संधियां हैं उनको के बारे में बात करते हैं। ये आपकी सुगारू जल संधि है। कौन सी? सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये आपकी जापान के पास है। कहाँ है सुगारू जल संधि? कहाँ है? जापान सागर एवं प्रशांत महासागर से संबंधित है और ये आपकी जापान के पास है। यही आपके ने मोरो जल संधि, ने मोरो जल संधि, इसके बारे में याद रखिए कि ये आपकी प्रशांत महासागर में है, जापान के पास। ये आपकी यहाँ तत्तार जल संधि। कौन सी? तत्तार जल संधि जापान सागर व ओखोटस्क सागर को जोड़ती है। ये आपकी पूर्वी रूस सखालीन द्वीप के पास है। यहाँ आपकी कोरिया जल संधि है। कौन सी? कोरिया जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। ये आपकी जापान कोरिया में कोरिया जल संधि। यही आपकी ये आपकी सुशीमा जल संधि है। कौन सी? सुशीमा जल संधि ये जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर के पास है, जापान में। ये है आपकी यहाँ फार्मोसा जल संधि। फार्मोसा जल संधि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर से संबद्ध है। ये आपकी चीन ताइवान के पास है। बात करते हैं नीचे, ये है आपकी यहाँ कारीमाटा जल संधि।
माटा जल संधि। ये दक्षिण चीन सागर एवं जावा सागर के पास है, वो जोड़ती है इंडोनेशिया के पास है। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी, यही आपकी ये है ओसोमी जल संधि, ओसोमी जल संधि। इसके बारे में याद रखिए कि प्रशांत महासागर तथा जापान सागर के पास है, ये जापान। फिर है आपकी, यही आपकी ये टोकरा जल संधि। टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर से संबद्ध है, जापान में। ठीक है, इसी के पास है आपकी लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि आपकी दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर से संबद्ध है, ताइवान लुजोन द्वीप के पास। यही आपकी जापान जल संधि है, कौन सी है आपकी, जापान जल संधि। जापान जल संधि के बारे में आपको याद रखना कि प्रशांत महासागर में है, इंडोनेशिया के पास। ठीक है, ये आपकी यहाँ मकास्यार जल संधि है। इसके बारे में याद रखिए कि ये आपकी जावा सागर एवं सेलिविस सागर से संबद्ध है, इंडोनेशिया के पास। यही आपकी ये है डंडास जल संधि, कौन सी, डुंडाम जल संधि भी कहते हैं। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर से संबद्ध है, ऑस्ट्रेलिया के पास। यही आपकी है, आपकी ये है आपकी डैम्पियर जल संधि, कौन सी, डैम्पियर जल संधि। बिस्मार्क सागर एवं सोलोमन सागर के पास है, समृद्ध करती है, और पपुआ न्यू गिनी न्यू बेटन के पास है, पपुआ न्यू गिनी के पास है। फिर नीचे चलते हैं, ये आपकी यहाँ आपकी हुंडास जल संधि है, हुंडास जल संधि। इसके बारे में याद रखिए आप लोग कि यह वांडी मन खाड़ी से संबंधित है, मेलवेन द्वीप ऑस्ट्रेलिया के पास। ये आपकी यहाँ आपकी वाला बैंक जल संधि है, कौन सी, वाला बैंक जल संधि। सुलु सागर एवं सेलिविस सागर के पास से संबद्ध है, और पलावान बोर्नियो के पास है। ठीक है, फिर नीचे बात करते हैं, यहां देख लेते हैं, ये बॉस जल संधि है, कौन सी, बॉस जल संधि। ये तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर, दक्षिणी सागर के से संबद्ध है, ऑस्ट्रेलिया के पास। या आपकी कुक जल संधि है, कौन सी, कुक जल संधि। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर से संबद्ध है और न्यूजीलैंड में। यही आपकी ये कोवैक्स जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर के पास, न्यूजीलैंड के पास। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग, ये आपकी सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि के बारे में याद रखिए कि जावा सागर एवं हिंद महासागर से संबद्ध है, इंडोनेशिया के पास। फिर ऊपर चलते हैं, तो ये आपकी मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि के बारे में आपको याद रखना है कि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर से संबद्ध है, इंडोनेशिया मलेशिया के पास। फिर ये आपकी बाघ जल संधि है। पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी से संबद्ध है, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, फिर चलते हैं, ये है आपकी हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि भारत की खाड़ी एवं ओमान खाड़ी से संबद्ध है, ये आपकी है ओमान ईरान के बीच। ठीक है, यही आपकी है बाब बाओ एल मंडेव जल संधि। लाल सागर अरब सागर के से संबद्ध है, यमन जिबूती के पास। ठीक है, ये आपके नीचे है यहाँ मोजाम्बिक चैनल, कौन सा, मोजाम्बिक चैनल, हिंद महासागर में मोजाम्बिक और मालागासी के पास। ठीक है, ये है आपकी यहाँ मैसिना जल संधि।
मैसिना जल संधि आपकी भूमध्य सागर से संबद्ध है और ये आपकी इटली सिसिली के पास है। यहाँ आपकी जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से संबद्ध है, स्पेन मोरक्को के पास। ये आपकी है वास्पोरस जल संधि, दिखी रही आपको वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि काला सागर एवं मारमारा सागर से संबद्ध है, तुर्की के पास। यही आपकी है ये आपकी डार्डन जीन जल संधि। डार्डन जीन जल संधि मारमारा सागर एवं एजियन सागर से संबद्ध है, तुर्की के पास। ये है आपकी ओरंटो जल संधि। ओरंटो जल संधि एडियाटिक सागर एवं एजियन सागर के से संबद्ध है, इटली और अल्बानिया के पास। ये आपकी है यहाँ बोनीफेसियो जल संधि। बोनीफेसियो जल संधि आपकी भूमध्य सागर के पास है से संबद्ध है और ये आपकी कुरसिका सार्डिनिया के पास है भौगोलिक स्थिति। ये आपकी नॉर्थ चैनल, कौन सा नॉर्थ चैनल? नॉर्थ चैनल आपका आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर से संबद्ध है, आयरलैंड इंग्लैंड के पास। यहाँ है आपकी डोवर जल संधि। कौन सी? डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के पास, इंग्लैंड फ्रांस में, ठीक है। तो ये थी आपकी लगभग ऑस्ट्रेलिया के पास हो गई, एशिया हो गई, अफ्रीका हो गई, यूरोप। ये है आपकी यहाँ डेनमार्क जल संधि। कौन सी? डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर से संबद्ध है, इंग्लैंड फ्रांस के पास, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अमेरिका में। ये है आपकी यहाँ मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि के बारे में याद रखिए कि प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबद्ध है, चिली के पास, ठीक है। ये है आपकी यहाँ फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी? फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि के बारे में याद रखिए कि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबद्ध है, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के पास। यही आपकी है युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि आपकी मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर के पास है से संबद्ध है और मैक्सिको क्यूबा के पास। ये है आपकी यहाँ बेले द्वीप जल संधि। बेले द्वीप जल संधि सेंट लॉरेंस खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबद्ध है, कनाडा के पास। ये आपकी डेविस जल संधि। कौन सी? डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबद्ध है, ग्रीनलैंड कनाडा के पास। ये आपकी हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के से संबद्ध है, कनाडा के पास। ये आपकी फ्रैंकलिन की जल संधि है। फ्रैंकलिन की जल संधि है आर्कटिक महासागर, कनाडा, ठीक है, कनाडा के बाद। ये आपकी ऊपर है नोरस जल संधि। कौन सी? नारेश जल संधि। नारेश जल संधि आपकी आर्कटिक महासागर तथा बेफिन की खाड़ी से संबद्ध है, कनाडा ग्रीनलैंड के पास। फिर है आपकी यहाँ आपकी है फ्यूरी तथा हेक्ला की जल संधि। फ्यूरी तथा हेक्ला की जल संधि आपकी आर्कटिक महासागर से संबद्ध है, कनाडा के पास। ये है आपकी मैक लियूर जल संधि। मैक लियूर जल संधि आपकी बीफोर्ट सागर एवं मेलविले साउंड से संबद्ध है, कनाडा के पास। नीचे आए तो ये है आपकी एम क्ल्यूरे जल संधि आर्कटिक महासागर से संबद्ध है,
कनाडा के पास। ये है आपकी यहाँ डॉल्फिन तथा यूनियन जलसंधि। डॉल्फिन डॉल्फिन तथा यूनियन जलसंधि आर्कटिक महासागर से संबंधित है, कनाडा के पास। ये है आपकी बेरिंग जलसंधि, कौन सी? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच है, अलास्का रूस के पास। ठीक, ये आपकी सेलिकॉप जलसंधि। सेलिकॉप जलसंधि अलास्का की खाड़ी में, अलास्का कोडियाक द्वीप। ये है आपकी यहाँ है जियो जियोर्जिया जलसंधि। जियोर्जिया जलसंधि प्रशांत महासागर से संबद्ध है, कनाडा के पास। ये है आपकी यही जुआन डी फुक्का जलसंधि। जुआन डी फुक्का जलसंधि प्रशांत महासागर में, कनाडा के पास। तो ये थी आपकी प्रमुख जलसंधियां। क्या थी? जलसंधियां। अब इनके बारे में मैं जो पॉइंट देखना है, एक बार वो ऊपर नजर डाल लेते हैं जिससे आपको याद रहेगा। विश्व की प्रमुख जलसंधियां, ये आपकी जलसंधि है, ये आपकी समृद्ध सागर है और ये आपकी भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, जलसंधि, समृद्ध सागर, भौगोलिक स्थिति। बेरिंग जलसंधि आपकी बेरिंग सागर एवं चुक्ची सागर, ये आपकी अलास्का रूस। एम क्लियोरेट जलसंधि आर्कटिक महासागर, कनाडा। सेलिकॉप जलसंधि अलास्का की खाड़ी, अलास्का कोडियाक द्वीप। युकाटन जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर, मैक्सिको क्यूबा के पास। फ्लोरिडा जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा। बेले द्वीप जलसंधि सेंट लॉरेंस खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, कनाडा। डेविस जलसंधि बैफेन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड कनाडा। हडसन की जलसंधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, कनाडा। मैगेलन जलसंधि प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर, चिली। डेनमार्क जलसंधि उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, इंग्लैंड फ्रांस। डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, इंग्लैंड फ्रांस के पास। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर, आयरलैंड इंग्लैंड के पास। जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, स्पेन मोरक्को। बोनीफिसियो जलसंधि भूमध्य सागर, कोरसिका सार्डिनिया। ओरंटो जलसंधि एडियाटिक सागर एवं एजियन सागर, इटली अल्बानिया। डार्डन जीन जलसंधि मारमारा सागर, एजियन सागर, तुर्की। याद रखिए हम इनकी भौगोलिक स्थिति देख चुके हैं और इनके बारे में वही पॉइंट देख रहे हैं जो हमने आपको भौगोलिक स्थिति में बताई हुई थी। ठीक है, वास्पोरस जलसंधि काला सागर एवं मारमारा सागर, तुर्की। मैसिना जलसंधि भूमध्य सागर, इटली सिसिली। हार्मुज जलसंधि फारस की खाड़ी एवं ओमान खाड़ी, ओमान ईरान। बाओ एल मंडेव जलसंधि लाल सागर, अरब सागर, यमन जिबूती। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर, मोजाम्बिक मालागासी। पाक जलसंधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी, भारत श्रीलंका। मलक्का जलसंधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, इंडोनेशिया मलेशिया। सुंडा जलसंधि जावा सागर एवं हिंद सागर, इंडोनेशिया। कारीमाटा जलसंधि दक्षिण चीन सागर एवं जावा सागर, इंडोनेशिया। फार्मोसा जलसंधि दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, चीन ताइवान। सुशिमा जलसंधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर, जापान। कोरिया जलसंधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर, जापान कोरिया। सुगारू जलसंधि जापान सागर एवं प्रशांत महासागर, कोरिया जापान। ठीक, नेमुरो जलसंधि प्रशांत महासागर, जापान। ततार जलसंधि जापान सागर, बाकुटोस्क सागर, पूर्वी रूस, सखालिन द्वीप। टोकरा जलसंधि पूर्वी चीन सागर,
एवं प्रशांत महासागर जापान, लुजोन जल संधि दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर, ताइवान लुजोन द्वीप, जापान जल संधि प्रशांत महासागर इंडोनेशिया, मकास्यार जल संधि जावा सागर एवं सेलिविस सागर इंडोनेशिया, वाला बैंक जल संधि सुलु सागर एवं सेलिविस सागर, पलावान बोर्नियो। आपकी टोरस जल संधि आप पुआ सागर और पपुआ की खाड़ी से संबद्ध है, पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया। होंडास जल संधि वांडीवन खाड़ी मेलविन द्वीप ऑस्ट्रेलिया। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड। होवेक्स जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण चीन सागर न्यूजीलैंड। बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण चीन सागर ऑस्ट्रेलिया। ओसोमी जल संधि प्रशांत महासागर तथा जापान सागर जापान। डुंडाम जल संधि प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर ऑस्ट्रेलिया। डैम्पियर जल संधि बिस्मार्क सागर तथा सोलोमन सागर पपुआ न्यू गिनी और न्यू बेटी। क्लरेंस जल संधि तिमोर सागर तथा वैन द्वीप दीमन सागर घाटी ऑस्ट्रेलिया। मैकलियोर जल संधि बिफोर्ड सागर मेलविडे साउंड कनाडा। नारस जल संधि आर्कटिक महासागर बैफेन की खाड़ी कनाडा ग्रीनलैंड। जुआंडी फोक्का जल संधि प्रशांत महासागर कनाडा। फैंकलिन जल संधि आर्कटिक महासागर कनाडा। डॉल्फिन यूनियन जल संधि आर्कटिक महासागर कनाडा। फ्यूरी तथा हेकला जल संधि आर्कटिक महासागर कनाडा। जियोर्जिया जल संधि प्रशांत महासागर कनाडा। तो ये थी आपकी प्रमुख जल संधियां। हम लोग प्रमुख आपकी जो भी स्थल संधियां हैं उनके बारे में, कौन सी स्थल संधियों के बारे में, ये है आपकी कुसी मोटो जल संधि। कौन सी? कुसी मोटो जल संधि, यह है आपकी जापान के पास। करा जल संधि कौन सी? करा जल संधि आपकी, यह है आपकी म्यांमार आइसलैंड आइलैंड तथा मलेशिया के मध्य। कुसी मोटो जल संधि आपकी है जापान के पास, और करा स्थल संधि है आपकी, करा स्थल संधि आपकी म्यांमार और आइलैंड तथा मलेशिया के मध्य। मलेरिया नहीं, ये आपकी ऑकलैंड स्थल संधि है। कौन सी? ऑकलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड। ये है आपकी फेरिकॉप जल संधि। कौन सी? फेरिकॉप जल संधि कहाँ है? कीमिया तथा यूकेन के मध्य। ये है आपकी कोरिंद स्थल संधि। कोरिंद स्थल संधि मध्य ग्रीस तथा पेली पोनीच प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। ये आपकी करेलिया करेलिया स्थल संधि। ये आपकी उत्तरी पश्चिमी यस लदोगा झील तथा फिनलैंड की खाड़ी के बीच। ये आपकी माविस ग्राइंड स्थल संधि। माविस ग्राइंड स्थल संधि ये आपकी यूके में, ठीक है। ये आपकी मेड़ा नॉस स्थल संधि। कौन सी? मेड़ा नॉस स्थल संधि। ये है आपकी वेनेजुएला तथा मेड़ा नॉस के मध्य। ये है आपकी पनामा स्थल संधि। कौन सी? पनामा स्थल संधि मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच है। ये है आपकी कौन सी? चिकने क्वेंटो स्थल संधि कनाडा के पास। ये आपकी एवलोन स्थल संधि। कौन सी? एवलोन स्थल संधि है, ये भी आपकी कनाडा के पास ही है। कहाँ है? कनाडा के पास। इनके बारे में कुछ ये पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें आपको याद रख लेना। विश्व की प्रमुख स्थल संधियां हैं।
स्थल संधि हुई और भौगोलिक स्थिति इनकी। जो पनामा स्थल संधि है ये आपकी मध्य अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच है। स्वेज जल संधि आपकी अफ्रीका तथा एशिया के मध्य स्थित है। करा स्थल संधि आपकी म्यांमार और आइलैंड तथा मलेशिया के बीच है। करेलिया स्थल संधि उत्तरी पश्चिमी यस लदोगा झील तथा फिनलैंड की खाड़ी के बीच है। फिर आपकी कोरिंथ जल संधि मध्य ग्रीस और पेलीपोनीज प्रायद्वीप के मध्य है। मेडानोस जल स्थल संधि वेनेजुएला मेडानोस के मध्य स्थित है। एवलोन जल संधि आपकी कनाडा के पास है। चिगनेटो जल स्थल संधि कनाडा के पास है। तरेकोप स्थल संधि आपकी क्रीमिया तथा यूक्रेन के मध्य है। फिर आपकी ऑकलैंड स्थल संधि, ऑकलैंड स्थल संधि आपकी न्यूजीलैंड के पास है। कुशी मोटो स्थल संधि जापान के पास है। माविस ग्याइंड स्थल संधि यूके के पास है। ठीक, तो ये थी प्रमुख आपकी जल संधियां और स्थल संधियों के बारे में। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। विश्व के प्रमुख बंदरगाह देखेंगे। ठीक है,